कैसा रहा मऊरानीपुर का प्रांतीय मेला जल विहार महाउत्सव? बुंदेलखंड में एक ऐसा अद्भुत मेला जहां भगवान विहार के करने के बाद भक्तों के घर पहुंचते हैं। भगवान को अपने नजदीक पाकर भक्तों की खुशी का कोई अंदाजा नहीं लग सकता। ये धार्मिक मेला रात्रि में ही आयोजित होता है, जिसे बुंदेलखंड के लोग जल विहार महाउत्सव कहते हैं। धार्मिक आस्था एवं जनमानस की धार्मिक भावना का परिचायक ये मेला सितंबर महीने में बुंदेलखंड के मऊरानीपुर कस्बे में धूमधाम से मनाया जाता है। मऊरानीपुर नगर ब्रिटिश काल से ही सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र बना रहा। यहाँ लगभग 300 वर्ष से अधिक प्राचीन मंदिर स्थित है। नगर के बीचों बीच निकली सुखनई नदी के दोनों तरफ कई सैकड़ों वर्ष पुराने मंदिर, प्राचीन मंदिर स्थित हैं। सभी प्राण प्रतिष्ठित देव प्रतिमाओं का जल विहार नगर के सुखनई नदी के तट पर होता है। श्रद्धालु ईश्वर का विहार देखने के लिए पूरी रात्रि टकटकी लगाए रहते हैं। महाप्रभु गुदर बादशाह, जगत माता जानकी और भगवान लठाठोर माता राधा रानी की एक झलक देखने को तरसते हैं। दर्शन लाभ मिलते ही श्रद्धालु व भाव विभोर होकर अपने आप को धन्य धन्य महसूस करते हैं। दर्शन मिलते ही श्रद्धालुओं की खुशी को शब्दों में बता पाना बेहद मुश्किल है। वहीं बिहार के लिए ले जाए गए विमानों में अति तीव्र ध्वनि के साथ पूरी रात विमानों को नगर में घुमाया जाता है। हर विमान में लाउड स्पीकर और डीजे ने बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को परेशानी में डाल दिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों और डीजे ने शांतिपूर्ण धार्मिक आध्यात्मिक वातावरण को नष्ट करने का कार्य किया है। लगता है कि पवित्र मंदिरों के देव दर्शन से अधिक डीजे वालों में तीव्रतम ध्वनि के प्रयोग की प्रतियोगिता नजर आई। नगर के मेला ग्राउंड में आयोजित मऊरानीपुर नाइट के नाम से हुए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बार बालाओं ने जमकर ठुमके लगाया। अश्लील फुहड़ गानों पर बालाओं के डांस देखकर भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस ने लोगों पर जमकर लाठियां बरसाई। चोटिल युवक अब अस्पताल में आए हैं। वहीं यूपी बिहार लूटने कजरारे सुनने से भी डर रहे हैं। स्थानीय जिला प्रशासन ने भी इस ऐतिहासिक धार्मिक मेले की पवित्रता को धूमिल करके अधर्म किया है। ऐसे ऐतिहासिक धार्मिक मेले में अश्लील फुहड़पन कार्यक्रम को कैसे इजाजत मिल गई, बड़ा सवाल उठता है। खैर, धज्जियां उड़ाई गई, विमान निकाले गए, भगवान की भक्ति कम, अपनी स्वयं की शक्ति का प्रदर्शन ज्यादा नजर आया। आस्था पर भी हठधर्मिता हावी रही। इस प्रकरण में पुलिस ने कार्यक्रम आयोजकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। मऊरानीपुर झांसी से मुकेश सिंह की एक खास रिपोर्ट। मैं आपका क्या हुआ है, कहाँ पर, कितने पुलिस वाले थे, कहाँ बैठे थे आप? रजवाड़ा। क्या चल रहा था रजवाड़े में? सब डांस कर रहे थे। फिर क्या हुआ? कितने? 10-12। और कितने लोग घायल हुए? हाँ, कैसी है आपकी अभी समय? अभी एक पेशेंट आया है, पुलिस लेके आई है उस पेशेंट को। क्या है तुम्हारा? यहाँ जलविहार मेला चल रहा है और वहाँ पर पुलिस के कथानुसार शायद कुछ मारपीट हुआ है, उसी सिलसिले में ये मरीज यहाँ। कैसी है पेशेंट की हालत, क्या नाम है इसका? पेशेंट की हालत अच्छी नहीं है, उसको यहाँ पे प्राइमरी प्राथमिक उपचार करके मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर किया जाए। कहाँ कहाँ चोट आई है इसको? आँख के पास चोट आई है। बताया जा रहा आँख भी इसकी जो है डैमेज हो गई है क्या? अब ये तो झांसी जब जाएगा पेशेंट, वहाँ डॉक्टर देख के बताएगा। क्या नाम है पेशेंट का? राज नारायण। राज गुप्ता जी, क्या है बुंदेलखंड के खास तौर से मऊरानीपुर में ये जल विहार महोत्सव यहाँ क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, अभी पिछले कुछ वर्षों से देश में एक नया ट्रेंड आ गया है, सनातन की बात ज़्यादा होने लगी है। सनातन के परिप्रेक्ष्य में हमें ये कहना है कि जो हिंदू धर्म है उसको हमारे बुंदेलखंड ने बहुत कुछ दिया है। आज हिंदू धर्म की जो गाथा जन जन तक है रामचरितमानस के द्वारा, उसके रचयिता भी बुंदेलखंड में पैदा हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी। महाभारत जो हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है, जिसमें गीता जैसा महाकाव्य है, वह भी बुंदेलखंड में जन्मे महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित है। बुंदेलखंड ने सदियों से हिंदू संस्कृति, सनातन धर्म की रक्षा और समृद्धि का करने का काम किया है।
चित्रकूट में भगवान राम का 12 वर्ष तक प्रवास रहा। अब बात वर्तमान दौर में जल विहार महोत्सव की आप करने आए हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जल विहार एक ऐसी परंपरा है जो त्रेता युग से के भी पहले सतयुग से जुड़ी है। 52 अवतार की कथा से इसको जोड़ा जाता है कि राजा बाली से भगवान ने 52 ब्राह्मण का अवतार लेकर 3 पग जमीन मांगी थी और उन्होंने एक पग में पृथ्वी, एक में आकाश, पाताल और सब नाप लिया था। तो वो किंवदंती है, उसी के परिप्रेक्ष्य में पूरे बुंदेलखंड में डोल ग्यारस का त्यौहार मनाया जाता है, जो ग्यारस के दिन भादव मास के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। रही बात मऊरानीपुर की, तो मऊरानीपुर को मंदिरों की नगरी कहा जाता है। यहाँ पुरातत्व महत्व के लगभग 300 से अधिक मंदिर हैं। मऊरानीपुर किसी समय में लगभग 200 वर्ष पहले बुंदेलखंड की प्रमुख व्यावसायिक मंडी रही। साहित्यिक और सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों का मऊरानीपुर केंद्र रहा। लगभग 250-300 वर्ष पहले यहाँ जल विहार को उत्सव के रूप से मनाने की परंपरा शुरू हुई। मऊरानीपुर में सुखनई नदी निकली है, ये अकेली नदी नहीं है, ये इस बुंदेलखंड की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक भी है। सुखनई नदी के दोनों तटों पर जो मंदिर हैं वो इस क्षेत्र के समृद्धशाली अतीत की गवाही देते हैं। तो बात जल विहार महोत्सव की है। मऊरानीपुर में जल विहार महोत्सव 4 दिवसीय मनता है। द्वादश को यहाँ श्री गुदर बादशाह जी महाराज के नेतृत्व में विमान निकाले जाते हैं। तकरीबन 100 विमान निकलते हैं, जिनमें 60 विमान बड़े मंदिरों के होते हैं और छोटे छोटे मंदिरों के बाकी विमान होते हैं। 13 वाले दिन मोहल्ला गांधीगंज, इसका पहले नाम गढ़धुरियागंज था, जो गढ़धुरिया बाबा के नाम से जाना जाता था, तो गढ़धुरिया बाबा मंदिर का विमान और चतुर्वेदी का विमान निकलता है 13 को। अनंत चतुर्दशी के दिन मीला जल विहार के जो नायक हैं भगवान लठाटोर महाराज, उनका विमान निकलता है। भगवान लठाटोर महाराज बुंदेलखंड के आराध्य हैं, उनके संबंध में गांव-गांव में किंवदंतियां प्रचलित हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान लठाटोर जी का विहार कराया जाता है, उनके साथ लगभग 100 मंदिरों के विमानों का विहार होता है। भगवान लठाटोर का विमान प्राचीन काल में जब निकलता था तो लकड़ी के बांस के लट्ठों पर निकलता था और वो लट्ठ टूटते थे, इसलिए उनका नाम लठाटोर पड़ा। इसके बाद जो पूर्णमासी के दिन यहाँ एक नित्य किशोर भगवान का मंदिर है, जो भगवान कृष्ण और राधा को समर्पित है, उनका विमान निकलता है। 3 दिन जो विमान निकलते हैं वो सुखनई नदी पे विहार करते हैं, लेकिन 4th दिन जो विमान निकलते हैं वो सुखनई नदी और सपरा नदी के संगम स्थल, जिसको दुनय कहते हैं, वहाँ होता है। 4 दिवसीय जो जल विहार महोत्सव की परंपरा है ये 300 साल पुरानी है। नगर पालिका द्वारा ये 157 वर्ष से लगातार मनाया जा रहा है। पिछले 2 वर्ष कोरोना काल में जल विहार महोत्सव आयोजित नहीं हुआ, वर्तमान में जो 155वां आयोजन है। क्या बदलाव देखने को मिल रहा है मेले में? मेले में जो सबसे दुखद बात है, सांस्कृतिक अपदूषण हो गया है, दिखावा इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारी परंपराएं नष्ट हो रही हैं, कहीं ना कहीं धर्म की बड़ी अवमानना हो रही है। जो विमान निकलते थे, मैंने अपने किशोरावस्था से देखा है कि उनके आगे है मधुर वाद्य यंत्र चला करते थे, महफिलें जमती थी, भजन कीर्तन की टोलियां आती थी, वो है रात रात भर जवाबी कीर्तन होते थे, उनकी स्थान पे आज डीजे ने ले लिया है और ध्वनि प्रदूषण ने इस महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजन को तहस नहस करके रख दिया है, इसकी मूल भावना की हत्या करके रख दी है।
इसमें शासन प्रशासन तो दोषी है ही, साथ में जो जुम्मेवार लोग हैं मेला जल विहार में विमान निकाले जाते हैं वो भी दोषी हैं। हमें कायदे से विमानों के आगे डीजे नहीं ले जाना चाहिए। डीजे वालों ने जो कहर चार दिन यहाँ मचाया है जल विहार शोभा यात्रा में,